आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है आज। 3 विधानसभा सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा का नामांकन सभा है। स्ट्यूम्बर, चौरासी और खीवसर में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। स्ट्यूम्बर में बीजेपी प्रत्याशी शांता देवी का नामांकन है। चौरासी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कारी लाल ननोमा का नामांकन है और खीवसर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रेवतराम डांडा का नामांकन सभा है। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है आज। 7 सीटों पर मतदान होने हैं। 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बाकी बचे 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जो है वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्यूम्बर, चौरासी और खीवसर सीट पर नामांकन सभा करेंगे, जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। और हम आपको बता दें कि 37 उम्मीदवारों के नामांकन पर्चा दाखिल कर दिए जा चुके हैं। दौसा विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक नामांकन दाखिल हुए हैं, जबकि स्ट्यूम्बर से माँ बेटे दोनों ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। दौसा में सबसे अधिक 13, चौरासी रामगढ़ और देवली उनियारा में सबसे कम 2 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा झुंझुनू में 7 हुए हैं, खीवसर में 5 हुए हैं और स्ट्यूम्बर में 6 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, संजय व्यास उदयपुर से हैं, स्ट्यूम्बर सीट की जानकारी देंगे वो, हरीश आचार्य नागपुर से खीवसर सीट की जानकारी देंगे और परवेश जैन डूंगरपुर से जोड़ चुके हैं, चौरासी सीट की जानकारी देंगे। तो परवेश आपके पास पहले चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि डूंगरपुर में जो 84 सीट है वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आम जनमानस का क्या कहना है, यही सवाल मैं सबसे पूछूंगा। पहले आपसे परवेश बताना चाहूंगा कि जो उपचुनाव है 84 में वहाँ पे आज सीएम आने वाले हैं, तो वहाँ पे जो पार्टी जो 3 पार्टियां हैं, तो बाप पार्टी है, इसके बाद एक बीजेपी और कांग्रेस, तीनों में घमासान है। देखा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो निर्दलीय भी उतरे थे इनके विरोध में बाप पार्टी में, अब बाप पार्टी की भी कहीं ना कहीं विरोध बस होने लगी है, तो पार्टी में कहीं उनको भी नुकसान हो सकता है। और बीजेपी में भी अभी जो कहीं सारे जिनको टिकट की उम्मीद थी वो भी कहीं लगे हुए थे, हमको भी मौका नहीं मिला है, जिनको के ने अभी तक बताया था कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, लेकिन वहां पे इस तरह से जो इन लोग ने वो किया है, तो जो कारीलाल को जो उम्मीदवार बनाया है, जो प्रधान है वर्तमान में, तो कहीं ना कहीं विरोधियों बस में है ही है। अच्छा, चलिए एक बार हरीश आचार्य के पास चलते हैं, खीवसर से, नागपुर नागौर से वो संवाददाता है हमारे। हरीश, आज मुख्यमंत्री का दौरा, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ तैयारी और आम जनमानस का किस तरफ रुझान? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खीवसर की विधानसभा है वो त्रिकोणीय मुकाबले में कन्वर्ट हो गई है और यहाँ पे जो है जो चौथा कैंडिडेट अगर उतरता है तो वो भी कहीं ना कहीं इन तीनों के वोटों में सेंध लगाने के लिए अपना कार्य करेगा। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहां पे हेलीपैड बनाया गया है, ये नागौर जिले की खीवसर विधानसभा है जो सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों की अलग अलग तर्क वितर्क सामने आ रहे हैं। कोई कहता है यहाँ से हनुमान बेनीवाल अगर पत्थर को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगा, जबकि कई कहते हैं जो उनका पुराना साथी था भाजपा से जिसको टिकट मिला है रेवंत राम डांगा को, वो पहले इनके साथ रहकर कार्य कर चुका है, वो एक हनुमान बेनीवाल की एक एक नस को जानता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के वोट तोड़ने में काम आएगा। और जो रतन चौधरी है जिसको कांग्रेस से प्रत्याशी यहां पे घोषित किया गया है, जिसका आज नामांकन भी भरा जाएगा, तीनों प्रत्याशी का नामांकन भरा जाएगा। रतन चौधरी का अगर देखा जाए तो उनके जो पति है सवाई सिंह जी गोदारा, वो पूर्व रिटायर्ड आईपीएस है, उनका भी दबदबा अपने इस खीवसर क्षेत्र में काफी बताया जा रहा है और उन्होंने भी एक बार जो है कुछ ही वोटों से कांग्रेस से जीते हुए रह गए थे, लेकिन बीच में उनको गैप मिला और वापस अपनी पत्नी को जो है यहाँ पे टिकट दिला के और कांग्रेस से प्रत्याशी की अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उतरेंगे और जो रेवंत राम डागा के नामांकन में शामिल होंगे, उसके बाद में सूत्रों का ऐसी जानकारी है कि शायद वो कोई यहाँ छोटी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं और उनके साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के मदन राठौड़ वो भी यहाँ पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद में सभा में कितनी तरीके की भीड़ होती है और आज नामांकन का जो सबसे अंतिम दिन है 25 तारीख, उस पर तीनों कैंडिडेट साथ में फार्म भरेंगे और इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी सामने आ सकते हैं, लेकिन रोमांचक मुकाबला जो हॉट सीट है खीवसर की वो देखने लायक होगी कि इस बार जो है विधायक अपना किसको चुनती है खीवसर की जनता, क्योंकि सबसे बड़ा है हर जो यह जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाटों के वोट ज्यादा है, लेकिन हर तरीके से जो प्रत्याशी उतारे गए हर पार्टी से और सही हो सकता है निर्दलीय। हरीश, और खीवसर सीट पर क्या क्या बड़ा मुद्दा है, किन मुद्दों पर जनता वोट देंगी?
यहाँ पे मुद्दा कुछ भी नहीं है, जो विकास है विकास काफी अच्छा हो रहा है, कोई सी भी सरकार रही हो हनुमान बेनीवाल ने अच्छा जो यहाँ पे विकास करवाया है। इससे पहले भाजपा के जो यहाँ पे गठबंधन के साथ में सरकार थी, कांग्रेस के साथ में गठबंधन सरकार थी, उन्होंने भी अच्छा कार्य करवाया। और यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर, वो तो वो यहाँ के राजा है, तो उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन आम जनता की जो धारणा है वो सीधी सीधी ये है कि यहाँ पे जो लोकल चेहरा है जो यहाँ पे साथ में उठता अच्छा। बैठता उनके और जिनको वो रात दिन अपने साथ में देख सकते हैं उनको वोट देने में विश्वास रखते हैं। जी ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि वहां पर खींवसर सीट पर जो लोकल चेहरा है उस पर कहीं ना कहीं जनता जो है मुहूर लगाने वाली है। चलिए संजय व्यास के पास चलेंगे, उदयपुर से हमारे संवाददाता है, स्ल्यूम्बर सीट के बारे में जानकारी देंगे। तो संजय, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्ल्यूम्बर आने भी वाले हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पहले तो ये बता दीजिए कि क्या कुछ वहां पर श्रृंखला में क्या कुछ जनसभाएं होंगी, संबोधित करेंगे, क्या कुछ वहां पर आपके पास जानकारी, और स्ल्यूम्बर सीट पर ज्यादा रुझान किसके ओर संजय, जनता का? आदित्य, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा, बाप पार्टी भाजपा और कांग्रेस तीनों ही आमने सामने है। यहाँ शांता देवी को जैसे भाजपा ने अमृतलाल मीणा की पत्नी को उतारा है, वहीं रेशमा मीणा है जो कांग्रेस से की उम्मीदवार है, और जीते जो उभरता हुआ यंग चेहरा है जिन्होंने पिछले चुनाव में सभी को चौंका दिया था, तीसरे नंबर पर वोट ला बहुत अधिक वोट लेके आए थे। इसी के चलते आप, मैं बता दूं आपको, बाप पार्टी लगातार इस तरीके से वहां पर काम कर रही है कि चौंकाने वाला रिजल्ट भी आ सकता है यहां पर, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही कहीं ना कहीं भीतरघात होने की संभावनाएं लग रही है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं संजय कि भीतरघात होने की संभावनाएं लग रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही भाजपा की टिकट डिक्लेयर हुई थी उसी दौरान नरेंद्र मीणा ने वहां पर बगावत की, लेकिन उनको मना लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये मना जो नरेंद्र मीणा को मनाया गया है उनके कार्यकर्ता, आपको बता दूं कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अभी तक भी उनके मन में रोष है, क्योंकि कितने ही सालों से वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक वो चीज नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। वहीं रेशमा मीणा के लिए यह कह सकते हैं कि इससे पहले वो बगावत कर चुकी हैं और बगावत करने के बाद उन्हें टिकट दिया गया, तो उसके कारण कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और रघुवीर मीणा जो पहले यहाँ पर सांसद रह चुके हैं उदयपुर, तो वो भी कहीं ना कहीं रुष्ट हुए हुए हैं। इसी के चलते ये कहा जा सकता है कि चौंकाने वाला यहाँ पर रिजल्ट आने की संभावना है। अच्छा, चौंकाने वाले रिजल्ट्स आने की संभावना है। परवेश जैन, अगर मैं आपसे पूछूं, डूंगरपुर पे हमारे संवाददाता है, 84 पर क्या चौंकाने वाले रिजल्ट्स आने की संभावना है या नहीं? रिजल्ट तो जो बाप पार्टी से जो पोपट खोकरिया था जो पहले विरोध में उतरे थे, अब वापिस पार्टी ने उनको मना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो साथी है, वो सारे कहीं ना कहीं से नाराज तो है ही है बाप पार्टी से। और कल फिर एक ने जो चिखली पंचायत समिति के प्रधान का हस्बैंड जो पति है वो भी कर निर्दलीय फार्म भरा है, तो कहीं ना कहीं बाप पार्टी में नुकसान होना तय है। अच्छा, हरीश आचार्य जी के पास चलना चाहूंगा, नागपुर से हमारे संवाददाता खींवसर सीट की जानकारी दे रही है, जानकारी दे रहे हैं खींवसर की। जो आप बता रहे थे कि जैसे हरीश आप बता रहे थे कि जो भी पार्टी आती है वहां पर मुद्दा जनता के नब्ज को समझती है और नब्ज को समझने के साथ जितने भी वादे हैं उसको पूरा करती है और कहीं ना कहीं वहां पर विकास भी जरूर करती है, लेकिन फिर भी उनके मन में, मतलब खींवसर सीट पर जितने भी लोग हैं उनके मन में एक ही मंशा है कि भाई जो हमारा लोकल नेता हो वो ही हम ऊपर उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा क्यों आखिर? देखिए, मैं आपको इस बार विचित्र बात बताता हूँ कि हर बार जो कुछ ना कुछ कैंडिडेट जो है, जैसे मान लो कोई नागौर से रह रहा है, कोई दूसरी विधानसभा से रह रहा है, वो खींवसर बाकी चुनाव लड़ता है, लेकिन इस बार तीनों ही कैंडिडेटों ने, तीनों ही पार्टियों ने यही से लोकल जो है कैंडिडेट चुना है, तीनों ही पार्टियों ने, तीनों लोकल कैंडिडेट है। रेवंत अच्छा। डांगा वो इसी विधानसभा के हैं जो भाजपा से प्रत्याशी है, रतन चौधरी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है महिला, वो भी यहाँ की लोकल है, और जो हनुमान बेनीवाल है वो भी यहाँ खींवसर विधानसभा के ही नोकल हैं। तो इस बार जो रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा वो एक अलग ही होगा खींवसर का। और हॉट सीट जो कही जाती है, वो हॉट सीट इस बार लोगों के समझ में आएगी, हॉट सीट क्यों कही जाती है खींवसर को, और यहाँ का मुकाबला जो त्रिकोणी है वो किस तरीके से लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज बात बताऊं मैं, जिस तरीके से खींवसर को अपने आप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी भी कहा जाता है, अगर नागौर जिले की राजधानी की बात करें इस जो है पार्टी वर्चस्व में राजनीति में, तो वो खींवसर विधानसभा का नाम आता है।
क्योंकि लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल वो नागौर जिले की खिमसर विधानसभा से आते हैं, उनका पैतृ गांव वरण गांव है, तो इसीलिए हनुमान बेनीवाल इसको अपना वर्चस्व का चुनाव मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले जो दो दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी आम जनता के साथ में और मीडियाकर्मियों के साथ में, तो उन्होंने कहा अगर इस बार मैं चुनाव हारता हूं तो ये मान लो कि मैं मेरा वर्चस्व हार जाऊंगा, आरएलपी हार जाएगी, मैं नहीं हारूंगा, ये आरएलपी हारेगी। इसीलिए इस बार जो है चुनाव वो बड़े टक्कर का और कांटे का रहेगा वर्चस्व की लड़ाई के साथ में। रेवंत राम डांगा जो उनके साथ में प्रत्याशी था पहले आरएलपी का कार्यकर्ता था जुड़ के और उनके साथ एक एक गांव घूम के नहीं, बट हरीश एक बात बताइए कि हनुमान बेनीवाल जी ये तो कह रहे हैं लेकिन उसी खीवसर सीट पर भी देखा जाए तो महिला प्रत्याशी भी उतरी है, तो कितनी बड़ी चुनौती इस बार हनुमान बेनीवाल जी की के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी से है वो तो जो पुरुष उतरा है व्यक्ति, और जो कांग्रेस से है वो उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है रतन चौधरी को जो महिला है। हाँ। तो उसी को देखने के बाद में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उन्होंने भी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को इस चुनाव में उतारा है, क्योंकि महिला प्रत्याशी के सामने महिला कहीं ना कहीं वोट खींचने में जो है अपना दायित्व निभाएगी और हो सकता है जीतने में अहम भूमिका निभाए। अगर देखा जाए इसको दूसरे तरीके से तो इस बार जो उनका मानना हनुमान बेनीवाल का कि दो महिलाओं के बीच में हो सकता है कि भाजपा ये सीट हार जाए, क्योंकि उनकी सीधी सीधी जो वर्चस्व की लड़ाई वो ये कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल मेरी एक नंबर दुश्मन भाजपा पार्टी है जिसको मेरे को हराना है और खीवसर की नहीं राजस्थान की सभी 7 सीटों पर हरवाना है ताकि मैं अपना वर्चस्व कायम रख सकूं, और कांग्रेस ने मेरे साथ गठबंधन तोड़ा, मैंने उनके साथ नहीं तोड़ा है, तो कांग्रेस को भी इस बार अगर मैं हरवा देता हूं तो मेरा वर्चस्व और मेरी राजधानी और मेरी लोकतांत्रिक पार्टी की जो शक्ति है वो बची रहेगी और मेरा वर्चस्व भी बचा रहेगा। नहीं, पर कुछ दिन पहले तो हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते, अगर टूट जाता है तो जैसा वो कहेंगे जो प्रत्याशी को बोलेंगे वही प्रत्याशी वो लाएंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी पत्नी को ले आते हैं, ये क्या लोग जनता तो समझ रही होगी ना हरीश? जनता समझ रही है इस चीज को। इस चीज पे जब उनसे मीडिया द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा महिला के सामने महिला उतारनी जरूरी थी, और जिन जिन व्यक्तियों से मैंने बात की उनके जो पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल उनके भाई है जो पहले खिमसर से ही थे विधायक रह चुके हैं तो उनसे उन्होंने बात की, इसके अलावा 2-4 कार्यकर्ता और थे। इसके अलावा उन्होंने जो अपने बयानों में कहा कि हमने जनता की भी नसों टटोली तो जनता की भी यही इच्छा थी, और उन्होंने कहा मेरे को अच्छा। कि भाई हनुमान बेनीवाल जी आप जो करेंगे उसी के साथ में हम हैं, तो हमें ऐसा लगा कि अगर मेरे को मेरे वर्चस्व की लड़ाई बचानी है और मेरे को मेरे पार्टी की इज्जत बचानी है और उसको जिताना है तो मेरे को मेरा घर का परिवार का ही व्यक्ति महिला उतारनी पड़ेगी ताकि उनके सामने बराबर टक्कर दे सके। अगर मैं नहीं उतारता और किसी और को उतारता तो सही जनता ये भी कह देती कि देखिए उन्होंने हारने के लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया। इस तरीके से करके सोच के उन्होंने महिला प्रत्याशी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हरीश आचार्य आपका। संजय व्यास उदयपुर से हमारे संवाददाता है, स्लीवर सीट के बारे में बता रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और परवेश जैन डूंगरपुर से हमारे संवाददाता 84 सीट के बारे में सब कुछ बता रहे थे। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की अहम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं।